हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। देखिए, इस वक्त जो मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है बच्चों की, जिन बच्चों की आर्टिकलशिप चल रही है, उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है, उसके जो टाइमिंग्स हैं, नॉर्मली बच्चे ये बोल रहे हैं कि 10 से 6 हमारी आर्टिकलशिप के टाइमिंग्स हैं, या फिर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनका जो ऑफिस का टाइम है उनको भी नॉर्मली 6-7 बज जाते हैं जॉब पर। तो उन बच्चों के लिए जो मई 2019 के एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, उनका शेड्यूल कैसे चले, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम। तो देखिए दोस्तों, जो भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं यही चाहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान से नोट करें और जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा आप वो चीजें सोच समझकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसके हिसाब से मैं सभी बच्चों को एक शेड्यूल बनाकर देने वाला हूं। और वो भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 31 दिसंबर से पहले पहले मैं अपनी तरफ से एक परफेक्ट शेड्यूल आप सभी के लिए डालने वाला हूं। लेकिन मुझे उसके लिए आपकी कहां पर हेल्प चाहिए, देखिए इस वीडियो में मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है, देखिए कि जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं 10 to 6 अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, जैसे कि काफी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि 10 to 6 का टाइम काफी बच्चों ने लिखा है, सबसे पहले मुझे इस चीज के बारे में पता हो कि आप डेली कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारे एरिया में, जैसे कि जलंधर पंजाब में नॉर्मली बच्चों की अगर ट्रेनिंग चल रही है, तो जो बच्चे अगर मान लो 6 बजे भी फ्री होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग में उनका टाइम जो है वो यूज नहीं होता, तो अगर 6 बजे भी फ्री हुए तो 6:30 तक वो 7 बजे तक आराम से घर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मेट्रो सिटीज है नॉर्मली, तो वहां पर 2-2 घंटे की नॉर्मली मुझे पता है कि ट्रैवलिंग भी होती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मुझे ये आइडिया लगे कि आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो बच्चे और भी हैं जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं आपके साथ सर्कल में, सभी बच्चों में ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि आप नॉर्मली जो एवरेज टाइम डेली कितना निकाल सकते हो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे आप भी उस चीज को देखना काफी हद तक पॉजिटिवली यूज कर पाओगे। क्योंकि आपको भी अगर पता होगा कि अगर मैं सपोज करो 7 या 8 बजे घर पहुंचता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पास ही टाइम शॉर्ट रह रहा है। तो जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं भी देख पाऊंगा कि ऐसे कितने के बच्चे हैं जो इतना टाइम ऑफिस में डिवोट करने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमें सीए के एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स लेकर क्लियर करना है। तो जैसे मुझे आइडिया लगेगा, मान लीजिए जैसे कि मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर मैं 7 बजे भी घर पहुंचता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आते ही तो मैं अपने काम पर बुक्स उठाकर बैठ नहीं जाऊंगा, तो मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, माइंड को रेस्ट चाहिए। क्योंकि ऑफिस में जो भी काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो घर पे आने के बाद भी वहीं पर फंसा रहता है, कोई फोन कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया। इसलिए अगर मैं ये मानकर चलूं कि आप अगर 7 बजे पहुंच रहे हो और उसके बाद 9-9:30 तक मुश्किल से आप बैठोगे, डिनर का टाइम हो जाता है, ये सारी चीजें सभी बच्चों की कॉमन होंगी। तो अगर हम फाइनली ये निकालें कि 10 बजे जाकर आपको लगता है कि आप अब जो पढ़ाई है अपनी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब देखो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं ये मानकर चलूं कि आप 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप सुबह कितने बजे तक पढ़ोगे, मेरा मतलब है कि 12 बजे नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो 10 से 12 तो सिर्फ 2 घंटे मिले। तो इसका मतलब अगर सुबह आपको 8 बजे दोबारा निकलना है तो आप कितनी सेटिंग दे सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि आप रात को 2 बजे के बाद बैठ पाओगे, क्योंकि आपको अगर सुबह 8 बजे निकलना है तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। इस हिसाब से तो आपके पास डेली जो 4 घंटे निकल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास डेली कितना टाइम होता है, मैं उन सभी को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाऊंगा, अपने जो प्लान शेड्यूल को बनाऊंगा, जो आपके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट शेड्यूल हो। देखो, एक तो यहां पर बात होगी टाइमिंग्स की जो आप डेली निकाल सकते हो, दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को एक चीज क्लियर लेकर चलनी चाहिए कि अगर आप मे के एग्जाम देना चाह रहे हो तो क्या आपको पता है कि आप ऑफिस से कितनी छुट्टी लेने वाले हो। काफी बच्चों को लगेगा कि मुझे तो शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन की छुट्टी मिलेगी,
कई बच्चों को होगा कि मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, कई बच्चों को 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। अब यहां पर अगर आपको 1 मंथ की कह लो हॉलीडेज मिल रही है, इसका मतलब वो पूरा मंथ तो आपका फ्री हो गया, उसमें तो सारे 24 के 24 घंटे आपके हो गए, एक्सेप्ट अगर मैं सोने के निकाल दूं तो भी आपके पास बहुत टाइम बचेगा पढ़ने के लिए। तो अगर आप ये सारी चीजें, मैं कहूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन कीजिए इस चीज को, कि इस चीज को लेकर के अगर आप शेड्यूल बनवाना चाहते हो तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, आप थोड़ा सा मेरी तरफ से भी सोचकर चलना कि अगर आप मुझे बोल रहे हो कि आपके पास 3 घंटे रह जाते हैं तो हमारा मई तक का शेड्यूल बना दीजिए, तो शेड्यूल भी वो बहुत टाइट होने वाला है, आपको बहुत कह लो हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर मेरे पास काफी चीजें क्लियर होगी आपकी तरफ से तो 31 दिसंबर से पहले जो शेड्यूल आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं मैं हर बच्चे के पॉइंट को कंसिडर करके उस शेड्यूल को बनाऊंगा, और वो आने के बाद भी जिस जिस बच्चे को लगेगा कि यहां पर मेरे ख्याल से मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे यहां पर चेंज चाहिए, मैं वो भी चीज करने को तैयार हूं। लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर आप मेरी जगह पर आकर बैठो तो मैं मतलब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे कि आपको भी वो चीज प्लान करने में कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी, क्योंकि हर बच्चे का अपना इशू है। अगर मुझे सारे इशू कह लो कमेंट बॉक्स में मिल गए जिनको मैं कह लो कि सारे प्रॉपरली रीड करके समझ के शेड्यूल को बनाऊंगा, तो मेरा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि आप सभी जो कमेंट डालना है, कोशिश कीजिए कि 28 दिसंबर तक इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि जो बच्चे भी जॉब में, आर्टिकलशिप में और कहीं भी बिजी हैं, इतने कमेंट आ जाएं कि मैं वो सभी कमेंट्स की कह लो कि एवरेज निकाल लूं, और मैं अपनी तरफ से आपको ऐसा शेड्यूल दे पाऊं कि मैं भी अंदर से सेटिस्फाइड हो जाऊं कि हाँ बच्चे खुश हैं, और आप भी पूरे सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ अब कम से कम मुझे कह लो कि मुझे भी टारगेट मिल जाएगा और आपको भी टारगेट जो है वो मिल जाएगा कि हमें कैसे स्टडी को लेकर चलना है। तो चलिए, मैं अपने माइंड में जब तक आपके कमेंट्स नहीं आते अपनी तरफ से प्लान बनाने लग जाता हूं। आप भी अपनी तरफ से अपना काम शुरू कर दीजिए, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए, जितने आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उनको बैठकर प्लान करके, जो आप एक अच्छा सा कह लो कि मेरे से जो चाह रहे हो आप अपना शेड्यूल बनवाना, उसके हिसाब से आप एक रेलिवेंट चीज कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स की, आप वेट कीजिए जो आपके लिए बेस्ट शेड्यूल होगा उस चीज की। मिलके काम करेंगे तो सक्सेस सभी लोग, मैं भी बहुत खुश हो पाऊंगा कि बच्चों को अच्छा लगा और आप भी इंजॉय करोगे। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर जो हमारा हेल्प बॉक्स है वो भी दिखा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो मुझे कह लो कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं रेगुलरली अपडेट्स डालता रहता हूं सीए वाले बच्चों के लिए, तो ये ज्वाइन करना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके अलावा मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आपने आर्टिकलशिप को कंसिडर करके जो आप शेड्यूल बनवाना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि वो मैं चाहता हूं कि पब्लिकली सारी चीज सभी बच्चों के सामने आए, ताकि एक दूसरे को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अगर मैं बिजी हूं तो बाकी और भी बिजी हैं। तो इसलिए मुझे ही सिर्फ मुश्किल नहीं आ रही टाइम को लेकर, सभी बच्चे इस चीज को लेकर चल रहे हैं और सभी बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और सभी को एग्जाम पास करने का कह लो कि अंदर से जोश है। तो चलिए, फाइनली मैं आपको अब ओके टाटा बाय बाय बोलना चाहूंगा। तो डट जाइए आप अपने टारगेट पर, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, और शेयर करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स को ये बोलें कि कमेंट जरूर डालो ताकि मुझे उतना ज्यादा कह लो कि बेटर क्लैरिटी हो सके। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपके कमेंट्स की वेट करता हूं, आप अपने काम पर डट जाइए। तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।